दोस्तों, अगर आपको भी सीआईडी शो देखना पसंद है और आप सीआईडी के इंस्पेक्टर पूर्वी यानी कि अंशा सैयद को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्पेक्टर पूर्वी यानी कि अंशा सैयद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, इंस्पेक्टर पूर्वी ने अपने ऊपर ही गन लगा दी है। वो अपने ऊपर गोली चलाने वाली है, खुदकुशी करने वाली है। क्या है पूरा मामला, क्यों इंस्पेक्टर पूर्वी ने खुद के ऊपर ही गन लगा दिया है, गन तान दिया है, सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, वही छोटा सा रिक्वेस्ट आप सबसे कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं या फिर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन यानी कि जो घंटी का बटन है उसको भी जरूर दबा लीजिए। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा इंस्पेक्टर पूर्वी जो है वो एक बहादुर सीआईडी अफसर है। जो भी मिशन उनको दिया जाता है वो उसको बखूबी निभाते हैं। और अगर हम बात करें सीआईडी के इंस्पेक्टर पूर्वी के असली लाइफ के बारे में यानी कि अंशा सैयद के बारे में, जिसका असली नाम है, इंस्पेक्टर पूर्वी का असली नाम है अंशा सैयद, ये तो आप सबको पता ही होगा। वो रियल लाइफ में दोस्तों फिट रहने में बिलीव रखती है। दिन में कम से कम 2 से 4 घंटा वो एक्सरसाइज करती है, जिम में बिताती है और काफ़ी सारा जो है पानी वो पीती है। इसी वजह से वो काफ़ी फिट भी रहते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों उनकी खूबसूरती के बारे में, तो इंस्पेक्टर पूर्वी सीआईडी में दिखने वाले सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक है, और मेरे हिसाब से दोस्तों इंस्पेक्टर पूर्वी सबसे खूबसूरत ही है। अगर बात करें दोस्तों इस एपिसोड के बारे में, जहां पे इंस्पेक्टर पूर्वी ने खुद के ऊपर गन तान लिया है, तो दोस्तों कुछ गुंडे जो होते हैं वो एक स्कूल बस को किडनैप कर लेते हैं, और जिनमें 30 से 40 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो दोस्तों उस स्कूल बस को किडनैप करने के बाद जो क्रिमिनल्स होता है वो बोलता है कि सीआईडी के जितने भी टीम मेंबर्स है उनको इंस्पेक्टर पूर्वी को लाकर उन्हें सौंपना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो बस को या और सारे बच्चों को ऐसे ही किडनैप करके अपने पास ही रखेंगे और कहीं पे ले जाएंगे। तो दोस्तों इंस्पेक्टर पूर्वी जो होती है वो खुद सबसे पहले उन गुंडों के पास पहुंचती है, और उसके पीछे पीछे जो सीआईडी की टीम होती है वो भी उन गुंडों के पास पहुंचते हैं। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस एपिसोड को देखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस एपिसोड के बारे में मैं आपको और थोड़ी सी बातें बताऊँ तो आप नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं और एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सब अपना ध्यान रखिए इस कोरोना काल में। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।